YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बालूमाथ थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित मोबाइल दुकान से ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के ब्रांडेड मोबाइल लैपटॉप व उपकरण उड़ा ले गए। बसिया गांव निवासी मोबाइल दुकान मालिक नईम अंसारी ने बताया कि बीते शुक्रवार की शाम वह दुकान बंद कर घर चला गया था। अगले ही दिन यानी आज जैसे ही वह अपनी दुकान पहुंचा तो शटर हल्का खुला पाया। कहा कि चोरों ने वीवो, सैमसंग, माइक्रोमैक्स समेत कई जानी मानी कंपनियों के स्मार्टफोन चोरी कर ले गए। कहा कि घटना की प्राथमिकी थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं घटना को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश देखा गया। पुलिस की लचर कार्य प्रणाली को लेकर लोगों ने काफी रोष प्रकट किया। जब आज आए 10 बजे तो देखे दुकान का शटर आधा खुला हुआ था। कल कितना बजे दुकान बंद करके गए थे? 6:30 बजे। 6:30 बजे बंद करके गए थे दुकान का शटर? आधा से थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ था मतलब लास्ट में। इसके बाद आए शटर उठाए। तो कौन कौन सामान चोरी हुआ है? वो मोबाइल बहुत ज़्यादा चोरी हुआ, एंड्रॉयड फ़ोन, सैमसंग गैलेक्सी का, ओप्पो और वीवो। लगभग कितना का चोरी हुआ है? लगभग 2 लाख के आसपास।